हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर हम अवार्ड्स और ऑनर्स देखने वाले हैं 2023 में, जनवरी से लेकर सितंबर तक जो भी न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हु वन द 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 फ्रॉम इंडिया। तो ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, चार लोगों को हर साल दिया जाता है। भारत से 2023 में मिला है रवि कन्नन आर को, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये चार लोग कौन से हैं? तो एक तो है ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन आर, इंडिया से कैंसर को ट्रीट करने का काम करते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं मिरियाम कर्नल फेरर, ये फिलीपींस के हैं। फिर यूजीनियो लेमोस तिमोर लेस्ते से बिलोंग करते हैं, और कौरवी रक्षंद बांग्लादेश से हैं। इन चारों लोगों को मिला है 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं इस अवार्ड को। हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023? ये प्रवीणा अंजना ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच रेलवे स्टेशन गॉट यूनेस्कोस एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड? तो ये मुंबई में बायकुला रेलवे स्टेशन है जिसको ये अवार्ड मिला है, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड। विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न? तो सीतारामम जो बुक है, जो मूवी है, इसको मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में। बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म मेल कैटेगरी में मोहित अग्रवाल को मिला है फॉर आगरा। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ फिल्म फीमेल कैटेगरी में रानी मुखर्जी को मिला है, और राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा कार्तिक आर्यन रहे हैं। बेस्ट फिल्म इसमें सीतारामम रही है, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023? ये अवार्ड मिला है पीएम मोदी को। Who has won prestigious international any award 2023? थलापिल प्रदीप इसका आंसर होगा। इन्हें मिला है इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 का। किसके द्वारा दिया जाता है? इटालियन एनर्जी कंपनी है एनी, इसके द्वारा ये दिया जाता है। और ये जो हैं थलापिल प्रदीप, IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, जिनको इस साल ये अवार्ड मिला है। रिसेंटली PM मोदी रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट ओनर ऑर्डर ऑफ द नाइल? ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का हाईएस्ट ओनर है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है। नाइल रिवर की बात करें तो ओरिजिन तो देखिए यहाँ से हो रहा है, लेक विक्टोरिया जो है यहाँ से ओरिजिन होती है। फिर युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट, यहीं से होकर निकलती है ना, सारी कंट्रीज से होकर निकलती है और मिलती सूडान में। ब्लू नाइल और वाइट नाइल एक दूसरे से मिलती हैं, जिसके बाद ये नाइल रिवर के नाम से जानी जाती है। लेकिन इजिप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिवर है इजिप्ट की, तो जो हाईएस्ट ओनर है इजिप्ट का, ये भी ऑर्डर ऑफ द नाइल इसका नाम रखा गया है, जो कि 2023 में मिला है पीएम मोदी को। ये वही दिए हुए हैं, वाइट नाइल मैंने बता दिया, लेक टना है जहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, ब्लू और वाइट दोनों सूडान में जाकर मिलती हैं, जहाँ से नाइल रिवर कहलाती है, और मेडिटेरेनियन सी में ये जाकर अपना पानी गिराती है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023? ये जो अवार्ड है ये मिला है प्रिया AS को। इनकी नॉवल है पेरू मज़ा ये थे कुंजी थालुकल, इसका मतलब है द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड। इस नॉवल के लिए इनको साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। हु हैज़ नेम्ड ग्लोबल इंडियन आइकन एट UK इंडिया अवार्ड्स? पिक्चर में देख ही रहे हैं आप लोग, पहचान भी गए होंगे, मैरी कॉम है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। बॉक्सिंग चैम्पियन है ये, मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इंडिया की फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वुमेंस बॉक्सिंग में। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, और अभी इन्हें ग्लोबल इंडियन आइकन एट UK इंडिया अवार्ड्स दिया गया है। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट PSU टू अचीव एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन? इसका आंसर है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इंटरसर्ट USA के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को। इसकी बात करें तो स्थापना हुई थी 1956 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन और CEO हैं अरुण कुमार सिंह। Which Indian has been named in 2023 list of great immigrants? Great immigrants की list में नाम आया है अजय बांगा का, नाम इसमें शामिल किया गया है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, इंडियन ऑरिजिन है ये। Who has been awarded with Pen Pinter Prize 2023? तो पिक्चर में जिन्हें आप देख रहे हैं ये हैं माइकल रोजन, ऑप्शन डी करेक्ट है। ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर हैं ये, और इन्हें मिला है पेन पिंटर प्राइज 2023 का। क्वेश्चन है गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 हैज़ बीन अवार्डेड टू? तो गांधी पीस प्राइज ये दिया गया है गीता प्रेस को। गीता प्रेस, आपने किताबें पढ़ी होंगी, महाभारत, रामायण और इस तरह के जो भी रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनको ये पब्लिश करने का काम करता है।
गोरखपुर में इस्टेब्लिश है। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। पहला अवार्ड ये 1995 में दिया गया था जूलियस नायरर को। 1 करोड़ रुपये प्राइज़ इसमें दिया जाता है और अभी दिया गया है गीता प्रेस को, जो कि है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिशर है ये। रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022? तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 का मिला है दामोदर मौजा को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात की जाए तो ये ओल्डेस्ट और हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। पहले बार ये अवार्ड दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। ठीक है, अभी मिला है दामोदर मौजा को, जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन 4th नेशनल अवार्ड 2022? तो 4th एडिशन था नेशनल अवार्ड का और नेशनल वाटर अवार्ड मिला है, जो इसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 4th एडिशन है नेशनल वाटर अवार्ड्स, बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश रहा जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का, बेस्ट पंचायत इसमें थी जगन्नाथपुरम पंचायत तेलंगाना की। ठीक है, और नेशनल वाटर अवार्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा 2018 से दिए जा रहे हैं और इस साल 4th एडिशन था। हु हैज़ वन प्रेस्टीजियस जर्मन पीस प्राइज 2023? जर्मन पीस प्राइज़ ये मिला है सलमान रुश्दी को, एक ऑथर हैं, बहुत सारी बुक्स भी आपने इनकी याद की होंगी, ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद यूनेस्कोज मिशेल बेटिस अवार्ड? तो ये जो है यूनेस्को का मिशेल बेटिस अवार्ड ये दिया गया है जगदीश बाकन को, किस लिए मिला है? फॉर क्रिएटिंग ग्रीन जॉब्स एंड माइक्रो एडिट इन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। विच कंपनी वन द बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड? ये कंपनी है भारत बायोटेक, ऑप्शन सी करेक्ट है। अवार्ड दिया गया है कौन सा? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में, USA में ये अवार्ड जो है दिए गए थे। फिर भारत बायोटेक किस लिए आपने याद किया था? तो इनकोवैक वैक्सीन जो है वर्ल्ड की पहली इंट्रानेसल वैक्सीन नीडल फ्री, इसको डेवलप किया था भारत बायोटेक ने, हैदराबाद बेस्ड एक ये कंपनी है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द ओलंपिक ऑर्डर रिसेंटली? तो ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है? टेड्रोस घेब्रेसस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। कौन है ये? WHO के डायरेक्टर जनरल हैं और इनको अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है और IOC जो है इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। हु हैज़ कन्फर्ड विद सुरीनाम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली? पिक्चर में आप देख रहे हैं कौन है, हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, इनको ये अवार्ड दिया गया है सुरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। साउथ अमेरिकन कंट्री है सुरीनाम, जिसकी कैपिटल है परामारिबो, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, और इसका नाम भी याद रख सकते हैं, सुरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। हैं हु हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का ये मिला है जॉर्जी गोस्पोदिनोव को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। डिटेल्स इसकी देखें तो बुल्गारिया से ये बिलोंग करते हैं। इनकी नॉवल कौन सी है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है? टाइम शेल्टर इसका नाम है और इसे इंग्लिश में एंजेला रॉडल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। फिर लास्ट ईयर का हमको पता ही है, 2022 का जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ वो मिला था गीतांजलि श्री को, भारत की हैं ये, टॉम्ब ऑफ सैंड इनका नॉवल था जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? आप देख रहे हैं पिक्चर में पहचान ही गए होंगे कौन है, ये लियोनल मेसी हैं जिनको दिया गया है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देखेंगे तो 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये इस सेरेमनी कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। विनर्स की बात करें, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड हमने देखा लियोनल मेसी रहे, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला शेली एन फ्रेजर पेरिस को, जमाइका से बिलोंग करती हैं। फिर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला कार्लोस अल्काराज को, स्पेन के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, हु विल रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? अब देखिए पहली बार जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में तो ये अवार्ड मिला था हमारे PM नरेंद्र मोदी को, पहला अवार्ड। ठीक है, अभी दिया जा रहा है 2023 वाला जो ये मिलेगा आशा भोसले को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप पिक्चर में भी इनको देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने बता ही दिया। और लता मंगेशकर लेजेंडरी इंडियन सिंगर हैं,
जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी उन्हीं के नाम पर उनकी फैमिली ने इस अवार्ड को शुरू किया है। स्वर कोकिला के नाम से उनको जानते हैं। भारत रत्न 2001 में लता मंगेशकर को मिला था और अभी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 का आशा भोसले को दिया जाएगा। विच पोर्ट वॉन द सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023? ये है कोचीन पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ देख लेते हैं, सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 विनर रहा कोचीन पोर्ट, केरला का है, और फॉर द बेस्ट टर्न अराउंड टाइम इन नॉन कंटेनर कैटेगरी में इसको ये अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। विच स्टेट वन नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना? इसके लिए अवार्ड मिला है कर्नाटका को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। फसल बीमा योजना फसल का इंश्योरेंस, तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। 2016 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको रन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द शताब्दी पुरुष, मैन ऑफ द सेंचुरी? ये रहे हैं पंडित रामकिशन। कौन है ये? फॉर्मर MP हैं लोकसभा के, ठीक है, और इनको शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी टाइटल दिया गया है। 97 इनकी एज है, 97 साल के हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023? तो आप सामने देख रहे हैं इनको पिक्चर में, योगी आदित्यनाथ, बी इसका आंसर होगा। अवार्ड प्रेजेंटेड बाय रामनाथ कोविंद, हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा अवार्ड दिया गया है। अवार्ड है भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड, योगी आदित्यनाथ UP के CM को दिया गया है। Who has been awarded for the Malcolm Adisesia Award 2023? इसका आंसर होगा उत्सा पटनायक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उत्सा पटनायक जो है इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। Malcolm Adisesia Award इनको दिया गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है जिसमें 2 लाख रुपए का प्राइज दिया जाता है। Who became first इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये हैं दीपिका मिश्रा, पिक्चर में आप थोड़ा सा देख रहे होंगे इनको। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ महिलाओं को। गीता राणा नेगी, यहाँ भी देख रहे हैं आप ऑप्शन में, पहली वुमेन है टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर। फिर शालिजा धामी, पहली वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट। और भावना कांत, पहली फीमेल फाइटर पायलट्स। फिर नेक्स्ट आते हैं अवार्ड के बारे में बात करें। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 3 ईरानियन जर्नलिस्ट को ये दिया गया है। नाम है इनके निलूफर हमेदी, एला है मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। तो ये 3 हैं ईरानियन जर्नलिस्ट हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023? ये जो टाइटल है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और ये जो ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप, श्रेया पूंजा, ये रनर अप रही हैं, ठीक है, दिल्ली से बिलोंग करती हैं। लास्ट ईयर मिस इंडिया 2022 ये थी सिनी शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? सरस्वती सम्मान इस बार का 2022 के लिए जो मिला है शिवा शंकरी को मिला है, इनकी बुक सूर्यवंशम के लिए, ठीक है। और लास्ट ईयर किसे मिला था? रामदर्श मिश्रा को। पहले विनर इसके थे हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान जैसे हमने देख लिया बुक्स के लिए मिल रहा है, तो लिटरेरी अवार्ड है, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। Who has been awarded with the Abel Prize 2023? पहली बात तो Abel Prize किसके लिए दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ भी इसको कंसिडर किया जाता है। और 2023 के लिए अवार्ड मिला है लुइस कैफरेली को, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अर्जेंटीन अमेरिकन है ये लुइस कैफरेली। किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। और 2022 लास्ट ईयर का अवार्ड मिला था डेनिस पार्नेल सुलिवन को। Who has been awarded with 32nd व्यास सम्मान अवार्ड? 32वां व्यास सम्मान अवार्ड मिला है ये ज्ञान चतुर्वेदी को। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डॉक्टर असगर वजाहत, इन्हें लास्ट ईयर मिला था, इस बार ज्ञान चतुर्वेदी हैं और इनकी नॉवल जो है पागल खाना, उसके लिए इनको मिला है। डॉक्टर असगर वजाहत को इनकी बुक महाबली के लिए मिला था। ये भी एक लिटरेरी अवार्ड है और KK बिरला फाउंडेशन ही इसको देता है। Who won Pritzker Architecture Prize 2023? ये जो प्राइज़ है ये मिला है डेविड चिपरफील्ड को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। UK से बिलोंग करते हैं ये, और लास्ट ईयर का मिला था फ्रांसिस कैरे को, ये बुर्किना फासो से थे। Who has won 2023 International Prize in Statistics?
इसका आंसर होगा C.R. Rao, 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक्स इनको मिला है। विच मिनिस्ट्री गॉट पोर्टर प्राइज 2023? ये प्राइज हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को मिली है। क्यों मिला है ये प्राइज? क्योंकि इन्होंने COVID-19 के टाइम पर हेल्थ मिनिस्ट्री का जो भी योगदान रहा है उसके लिए ये प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट देखें, केरला ज्योति, ये मिला है केरल, ये जो है केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दिया गया है M.T. वसुदेवन को, एक राइटर है ये। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 कश्मीर की आलिया मीर को मिला है। यहाँ आप इनको देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जो भी इनके प्रयास रहे हैं उनके लिए इनको ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया। फिर है डॉक्टर नित्या अब्राहम, इंडियन अमेरिकन फिजिशियन हैं और इन्हें यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। मराठा उद्योग रत्न 2023 अवार्ड मिला है नीलेश सांबरे को। हु हैज़ वन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022? 2022 के लिए बेस्ट फीफा प्लेयर रहे हैं लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखें, बेस्ट मेंस प्लेयर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, बेस्ट वुमेन्स प्लेयर रही हैं एलेक्सिया पुटलेस, ये स्पेन की हैं, और बेस्ट गोलकीपर रहे हैं एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना के हैं। और स्पेशल अवार्ड इसमें मिला है पेले की, पेले ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं और रिसेंटली ही इनकी मृत्यु हो गई है। हु हैज़ वन 2023 मार्कोनी प्राइज? मार्कोनी प्राइज 2023 ये मिला है हरी बालकृष्णन को। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और ये अवार्ड जो है दिया जाता है US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2022? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 के लिए ये मिला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। यहाँ पर देखिए, ये जो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। सोशल वर्क के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मिला है। लास्ट ईयर 2021 में ये अवार्ड मिला था आशा भोसले को आर्ट एंड म्यूजिक फील्ड में। विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड विद डिजी धन अवार्ड? डिजी धन अवार्ड ये मिला है कर्नाटक बैंक को, और प्रतिष्ठा पुरस्कार डिजी धन अवार्ड जो हैं उसके अंदर एक कैटेगरी है, उसमें मिला है कर्नाटक बैंक को बाय MeitY, ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके द्वारा, फॉर अचीविंग टारगेट विद हाईएस्ट परसेंट इन भीम UPI ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट वॉन स्वराज ट्रॉफी 2021-22 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इसके लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 ये मिली है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। हु हैज़ वन द नेशनल ज्योग्राफिक्स फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023? के सुब्रमण्यम या कार्तिक सुब्रमण्यम जो हैं इनको नेशनल ज्योग्राफिक फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में इन्होंने जीता है। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? 2022 मिस यूनिवर्स ये टाइटल किसने जीता है? आर बॉनी गैब्रियल ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन से नंबर का टाइटल था ये? 71st। आर बॉनी गैब्रियल ये विनर रही हैं, USA से बिलोंग करती हैं। 2021 में विनर कौन था? इंडिया की हरनाज संधू। विच स्टेट हैज़ वन बेस्ट स्टेट टेबल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023? ये स्टेट है हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड ने ये जीता है बेस्ट स्टेट टेबल्यू अवार्ड, और इसने क्या शोकेस किया था? तो वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट्स जो स्टेट की हैं उसे शोकेस किया गया था। सेकेंड नंबर पर रहा है महाराष्ट्र और थर्ड पर UP। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट ये मिला है आर्मी की पंजाब रेजिमेंट को। फिर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स कैटेगरी में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये जीती है, और CAPF जो हमारी हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसके अंदर 7 फोर्सेस हैं ये, इसमें CRPF ने टॉप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इनिशिएटिव हैज़ वॉन द प्लैटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022? इसका आंसर होगा ENAM। ENAM क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, इसने जीता है प्लैटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022, और कौन से कैटेगरी में? तो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी में इसने ये जीता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023? ये जो पुरस्कार है ये 11 बच्चों को दिया गया है 2022 में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, आर्ट कल्चर ब्रेवरी इनोवेशन सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू, और विनर्स को कैश प्राइज मिलता है 1,00,000 रुपये।
विच पुलिस स्टेशन अवार्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया? ये पुलिस स्टेशन है उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन, और ये जो टाइटल है, अवार्ड है, दिया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। इस समय मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। विच स्टेट वन फर्स्ट हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जगह मिशन? जगह मिशन जो है उड़ीसा का है, जिसने जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का। जगह मिशन ये बेसिकली स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है उड़ीसा के। यहाँ बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड फॉर 2022-23 2022-23 के लिए? असम वैभव अवार्ड जो है बेसिकली असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और ये किसे दिया गया है? तो आंसर है डॉक्टर तपन साइकिया, इनको मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का। सेकेंड नंबर पर कौन है? असम सौरभ है, और असम गौरव ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप? ये अवार्ड दिया गया है डी वाई चंद्रचूड को, जो कि हमारे 50th CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा। पीएम मोदी नेम्ड हाउ मेनी अंडमान आइलैंड्स आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज? तो ये 21 ऐसे आइलैंड्स थे अंडमान में जो कि अननेम्ड थे, और उन्हें नाम दिया गया है परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर। हु हैज़ वॉन ओडाकुजल अवार्ड 2022? ये जो अवार्ड है ये जीता है अंबिका सुधन मंगद ने। आप पिक्चर में इनको देख रहे होंगे, और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है प्राण वायु, इसके लिए इन्हें ये दिया गया है ओडाकुजल अवार्ड 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवार्डेड विद पद्म अवार्ड 2023? पद्म अवार्ड 2023, इससे 106 लोगों को अवार्ड दिया गया है ये अवार्ड पद्म अवार्ड्स इस साल। यहाँ पर हम देखते हैं पद्म अवार्ड्स 2023 के, तो टोटल 106 अवार्ड्स हैं। इसमें तीन कैटेगरीज में दिया जाता है, हमें पता ही है। पहला है पद्म विभूषण, जो कि 6 लोगों को दिया गया है। फिर नेक्स्ट पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है, और पद्मश्री जो है ये 91 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण जो है 6 लोगों को मिला है, इसमें 6 लोग जो हैं इनमें 3 लेट भी हैं, मरणोपरांत भी उनको दिया गया है। पद्म विभूषण वाले 6 लोग कौन कौन हैं? श्रीनिवास वर्धन हैं, बालकृष्ण दोषी हैं, एसएम कृष्णा, दिलीप महानबी, जाकिर हुसैन और मुलायम सिंह यादव। अब ये ट्रिक है, श्री बालकृष्णा दिल्ली जाकर मुलायम से मिले, इसके जरिए आप इन 6 लोगों को याद रख सकते हैं। श्री से बन गए श्रीनिवास वर्धन, बाला से बन गए बालकृष्ण दोषी, कृष्णा से एसएम कृष्णा, दिल्ली से दिलीप महालनोबिस, फिर जाकर से जाकिर हुसैन, और मुलायम से मुलायम सिंह यादव, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं। फिर ये पद्म विभूषण जिन लोगों को मिला है उनकी फील्ड्स और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लिखा हुआ है। तो इसमें जो श्रीनिवास वर्धन है ये USA से बिलोंग करते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में इनको दिया जा रहा है। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत इनको मिल रहा है, और साथ में 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण मिल रहा है। इनमें हैं बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव। बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, और ये पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्हें प्रिट्ज़र अवार्ड, जो आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, वो मिला था, ठीक है। पहले ऐसे इंडियन थे। गुजरात से ये बिलोंग करते हैं, जाकिर हुसैन, आर्ट फील्ड में इन्हें दिया जा रहा है, तबला प्लेयर हैं बेसिकली। और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एसएम कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में इन्हें मिल रहा है। कर्नाटका से हैं, दिलीप महालनोबिस मेडिसिन फील्ड से हैं, और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इन्हें मिल रहा है। श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग USA, मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स से, उत्तर प्रदेश के CM भी रह चुके हैं, और SM कृष्णा जो हैं ये भी कर्नाटका के CM रह चुके हैं। फिर यहाँ पर हैं पद्म भूषण कितने लोगों को मिल रहा है, 9 लोगों को। कौन कौन है? SL भाईरप्पा हैं, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वानी जयराम स्वामी, चिन्ना जीआर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश डी पटेल। अभी देखिए यहाँ पर ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब ये अनाउंस किए गए थे अवार्ड्स तब ये जीवित थी, लेकिन उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई तो ये रिसीव नहीं कर पाई हैं, ठीक है। तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं, और आर्ट फील्ड में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है 2023 में। जब अनाउंस किए गए थे तब ये जीवित थी, लेकिन अभी मरणोपरांत इनको हो जाएगा, रिसीव करने के लिए इनकी तरफ से कोई और आएगा।
है ना। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है, 91 लोगों को। कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, तो स्पोर्ट्स फील्ड से 3 लोगों को मिला है, SRD प्रसाद केरला से हैं, कलारी पयट्टू जो मार्शल आर्ट है केरला की, उसके ये एक उससे रिलेटेड हैं। फिर हैं के शना थोइबा शर्मा, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, और थांगटा गुरु हैं, ये भी एक मार्शल आर्ट ही है थांगटा। फिर गुरचरण सिंह ये दिल्ली से हैं और फॉर्मर क्रिकेटर ये रह चुके हैं। तो पहले हैं राकेश झुनझुनवाला, स्टॉक ब्रोकर हैं ये, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है। अरीज खबत्ता हैं रसना के फाउंडर, MM कीरावनी हैं RRR के म्यूज़िक कंपोज़र। RRR का गाना कौन सा है जिसे इन्होंने कंपोज़ किया है और उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, नाटू नाटू, है ना। अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन ये गज़ल सिंगर हैं, इन्हें भी पद्मश्री दिया जा रहा है। रवीना टंडन एक्टर हैं, और गुलाम मोहम्मद जैज़ ये लास्ट संतूर मेकर है कश्मीर। विच इंडियन कंपनी वन अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022, ये जो प्राइज़ है मिला है खेती जो है इसे प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर कैटेगरी में दिया गया। इंडियन कंपनी है जिसे अवार्ड मिला है। अर्थ शॉर्ट प्राइज़ एनवायरनमेंट की फील्ड में दिया जाता है 5 कैटेगरीज में, तो ये कैटेगरी जो है इसमें इंडिया की कंपनी जो है खेती इसको मिला है। हु इज़ द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022, पिक्चर में आप इनको देख रहे होंगे कौन है, ये हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेजिडेंट। ये टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं, एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन भी। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो ये ओनली इंडियन थे जो कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर बने 1930 में। हु हैज़ बीन नेम्ड एज पीटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर, ये हैं सोनाक्षी सिन्हा, लास्ट टाइम थी 2021 में आलिया भट्ट। हु हैज़ वन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लैंग्वेज, इनका नाम क्या है, तो ये है अनुराधा रॉय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये सेकेंड हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 24 में से 22 लैंग्वेज तो वो हैं जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन हैं, और उनके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में भी ये अवार्ड दिया जाता है। इंग्लिश के विनर कौन है, अनुराधा रॉय फॉर हर नॉवल ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। और असमी लैंग्वेज में बात करें तो मनोज कुमार गोस्वामी हैं फॉर भूल सत्य, इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए ये इन्हें दिया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं, इंग्लिश के लिए हमने बात करी ली अनुराधा रॉय, हिंदी के लिए बद्री नारायण हैं, तुमादी के शब्द इनकी पोएट्री के लिए इनको दिया गया। उर्दू लैंग्वेज में अनीस अशफाक को मिला ख्वाब सराब इनकी नॉवल के लिए। तमिल लैंग्वेज में एम राजेंद्रन को मिला काला पानी के लिए, और मराठी में प्रवीण दशरथ बांदेकर को मिला इनकी इस नॉवल के लिए। क्वेश्चन है लास्ट में, विच सिटी वन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, ऑप्शंस हैं पेरिस, मॉन्ट्रियल, हैदराबाद या फिर पुणे। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो